तो भाई पिछली वाली वीडियो में हम गए थे लंदन, और वहाँ जब हम पहुंचे तो हमें पता चला कि वहाँ का जो राजा जैसा था, वहाँ का गवर्नर, उसे भाई ठोक दिया था। उस चीज़ में तीन लोगों का हाथ था, एक था भाई कंपास, एक एरो और एक था भाई लीच। वो भाई ऑर्डर ऑफ द एंशिएंट्स के बंदे थे, काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल के। तो फिर हमने इन्वेस्टिगेशन के बाद ये बात पता लगाई थी, और फिर हम वहाँ के जो दो बंदे थे उसके राइट और लेफ्ट हैंड मान लो एक तरह से गवर्नर के, एक था स्टो और एक था भाई एर्क, उनके साथ में मिलके हम उनसे लड़ने गए थे, उनके खोज खबर लेने गए थे, पता लगाने गए थे कि वो कहाँ होंगे, कैसे होंगे, जिससे कि हम उन्हें पेल पाल सकें। फिर भाई हमें लास्ट में उसके वीडियो के एरो का तो पता लग गया था, हमने उसे ठोक भी दिया था, लेकिन भाई अभी दो ही बंदे और बचे हुए हैं, कंपास और लीच। तो सबसे पहले उन्हें ढूंढना है किसी तरह से करके। हमने स्टोव को बता दिया, स्टोव के ऊपर एक तरह से जिम्मेदारी एरो को ढूंढने की, कंपास तो अपने आप ही आ जाएगा जब लीच और मिल जाएगा हमें, हम उसे भी असैसिनेट कर देंगे तो कंपास अपने आप आएगा, क्योंकि उसके राइट और लेफ्ट दोनों हाथ गायब हो जाएंगे। तो भाई अभी हमें एक लंदन ब्रिज के नीचे आदमी मिला था, वो इसके लिए डील करने आया था उस ब्लैक स्मिथ के लिए, जो कि लीच को जानता है। और भाई फिर हमने क्या करा, उसका पीछा करना शुरू करा और उसे पकड़ लिया। उसने भाई हमें बताया, हमने उसे ठोका पिटा थोड़ा पहले तो शांति से, तो उसने बताया, लेकिन हाँ फिर उसने हमें बता दिया कि उसका पता कहाँ है। हम वहाँ पर पहुंचे भाई, वहाँ पे काफ़ी सारी सिक्योरिटी थी क्योंकि वो लीच का आदमी था एक तरह से। तो भाई फिर हम उस ब्लैक स्मिथ के पास पहुंचे, हमने उसे विश्वास दिला दिया कि हाँ हम जो है तुम्हारे दोस्त हैं। फिर भाई हमने उससे पूछ लिया कि कौन है, मतलब लीच, उसके बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन पता लगा ली, और उसने हमें बताया कि कोई लेडी एवरस्विथ करके है जो कि लीच है। तो भाई फिर हमने क्या करा, उससे लड़ना शुरू कर दिया। अब ये था वो ब्लैक स्मिथ, इसे हमने ठोक ठाक दिया, बड़े आराम से टपक गया, ऐसे कोई खास टेंशन की बात नहीं थी, लेकिन इसकी सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा तकड़ी थी। मुझे लग रहा था यही तो लीच नहीं है, इतनी तगड़ी थी इसकी सिक्योरिटी। खैर अब हम चलते हैं लीच के पास। तो भाई हम पहुंच गए थे लेडी एवरस्मिथ के इलाके में, और यार यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तगड़ी वाली सिक्योरिटी थी, लेकिन फिर भी हमने जैसे तैसे करके इसे ठोक ठाक दिया इस तरह से कुछ। और भाई फिर यहाँ पे हम सिक्योरिटी से बचते बचाते हमने इसकी किल भी कन्फर्म कर दी, लेकिन भाई काफ़ी मुश्किल था सिक्योरिटी से बचना बचाना, कई सारे बंदों को मिलना पड़ा इससे पहले। लेकिन जब हमने इसी किल कंफर्म करी तो हर बार की तरह हम विजन में गए, विजन में हमारे साथ में ओडिन भी थे। ओडिन ने बताया कि हम जो मतलब जो भी बंदे मरते हैं ऑर्डर ऑफ द एंशिएंट्स के, उनके मेडालियंस कलेक्ट करने के लिए हम आते हैं उनके विजन में। तो भाई फिर हमारी लीच से बात हुई, उसने हमें कहा कि ऑर्डर ऑफ द एंशिएंट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो है, काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, उसके अंदर काफ़ी सारी कमियाँ हैं, मैं उसे इम्प्रूव करने वाली थी, लेकिन तभी भाई ये सब हो गया और तुमने ठोक ठाक दिया। और उसने हमें कोई एक किताब सी दी ऑर्डर ऑफ द एंशिएंट्स की, उसके अंदर काफ़ी कुछ है ऑर्डर से रिलेटेड, और हम उसे लेकर अपने साथ में जा रहे हैं, उसके उसे बाद में देखेंगे वो क्या है उसके अंदर, कैसे बात है। अभी चलते हैं स्टोव और एरिक के पास, उन्हें बताते हैं इसके बारे में। वह हम आए थे एरिक के पास में लीच के बारे में खबर देने, तो इसने पूछा कि तुम्हें पता लगा कि उसका नाम क्या था, तो हमने बताया कि एक नन थी, उसका नाम था फ्रिल्सरिथ। तो भाई ये एकदम से परेशान सा हो गया, हमने पूछा कि भाई तू उसे जानता है, इसने कहा हाँ वो एक मतलब इसकी गॉड सिस्टर की तरह है, गॉड सिस्टर मतलब धर्म की बहन, और इसने उसने मतलब इसकी एक बार जान बचाई थी, तो तब से इसे बहन मानने लग गया, और इसने कहा कि वो ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन हमने कहा कि नहीं भाई वही थी। तो फिर अब इसने कहा कि चलो कोई बात नहीं, हमने इसे वो बुक भी दिखाई थी, इसने कहा कि इस बुक को जला देना चाहिए, लेकिन हमने कहा कि नहीं जलाना नहीं चाहिए इस बुक को, इससे मतलब हमें बहुत चीज़ें पता लग सकती हैं। तो फिर भी इस बात को मान गया, इसने कहा कि मेरे से आके मिलो तुम, और फिर आगे के कंपास के बारे में डिस्कस करते हैं कि उससे कैसे लड़ना है, क्या करना है। तो भाई अभी हम स्टोव और एर्क के पास आए थे, और भाई यार यहाँ पे जैसे हम घुसे थे इस जगह के अंदर, तो बाहर कई सारे लोग थे, और वो मतलब ऐसे नारेबाजी कर रहे थे कि तुम्हारी गॉड सिस्टर मर गई और ऐसे है वैसे है। तो भाई हमने इनसे पूछा कि क्या है, वो जहाँ देखे उसी के बंदे थे कंपास के ही, उसी ने उन्हें प्लांट कर रखा होगा यहाँ पे मतलब कि नारेबाजी करने के लिए। और फिर यार जब हमने उसका कुछ खास जवाब वाब नहीं दिया, तो हम कंपास के बारे में बात कर रहे थे कि वो हमारे पे कब अटैक करेगा, कैसे करेगा, क्या होगा मतलब उसका अगला मूव। तो तभी यहाँ पे क्या हुआ, एकदम से एक सोल्जर आया कंपास का, और उसने क्या करा, यहाँ पे आग लगा दी सारे में, ऊपर जो टावर है उससे रास्ता है यहाँ बाहर निकलने का, लेकिन यह वहाँ तक पहुँचना मुश्किल है, और फिर इन्हें भी निकालना है बाहर, यहाँ के जितने भी डोर है सारे के सारे बैरिकेड कर रखे हैं उन्होंने, और कंपास ने इस टाइम पे हमला कर दिया है हमारे ऊपर। तो भाई यार हम यहाँ आगे ऊपर उस पर टावर पे चढ़ के, और यार यहाँ पे देखियो कतई पूरे शहर में इन्होंने क्या तबाही मचा रखी है, माँ चुद के पूरे शहर की, भाई साहब तो अब गोले वोले बरस रहे हैं यहाँ दबा के, और कतई पूरा शहर जला रखा है इस कंपास ने, मतलब कोई ऐसा नहीं है छोटा मोटा आदमी हो भाई, देखो पूरे शहर में आग लगा रखी है इस बंदे ने, अकेले ने मतलब इसकी फौज ने, पूरा भाई लंदन को यार समझो पूरे को जला रखा है इस बंदे ने। खैर अभी तुम्हारे भाई ने यहाँ से इन दोनों को भी निकाल लिया, स्टोव को और एर्क को किवाड़ तोड़ के, और अभी हमें इनके पीछे पीछे चलना है, और ये हमें पहुँचाएंगे कंपास तक। कंपास जो है जहाँ तक है बाहर की तरफ है, मतलब लंदन के बाहर जो पानी है ना, जो नदी जा रही है,
उस नदी पे है अपनी बोट वोट लेके। तो वहाँ पहुँच के देखते हैं कहाँ पे है कंपास और देखते हैं उसका क्या करना है। तो भाई फाइनली बड़ी मुश्किल से पानी से जमीन से इधर उधर सैनिकों से लड़ते लुड़ाते पहुँच गया तुम्हारा भाई कंपास के पास में। और यहाँ पे आग वाले मटके रखे हैं, इनके अंदर क्या है तेल भरा है, तो जमीन पे तीर मार तो आग लग जाए, तो ये क्या होगा ये जल जाएगा इससे, इधर को लग गई ना इसका आग। और ये भाई साहब कुछ ज्यादा भर भर के मार रहा है, तो कुछ ज्यादा तकड़ा है भाई ये। और भाई तुम्हारे भाई ने प्रेडेटर वो हटा के लाइट वो उठा लिया, क्योंकि इससे क्या है इसके जो वीक पॉइंट है ना उस पर हमें मार के इसे स्ट्रॉन्ग करना है, तो इससे मतलब जल्दी और आसानी से हिट हो सके। और भाई साहब इसके यार चलो देखो जल रहा है अभी, तो अभी इसमें कई सारे तीर बजा दो फटाफट हेडशॉट ही हेडशॉट। और इसके तो भाई साहब बत्ती सी बना दी तुम्हारे भाई ने तगड़ी वाली। और ये हो गया स्टॉम्प, अभी इसमें एक तकड़ा वाला हमला करना है, इसको भर देना है ढंग से। और भाई साहब इसके तो बज गई बत्ती। ओ भाई 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 भाई, भाई आराम से यार, यार ने ठाक फेंक दिया कतई, क्या है यो खली हो रहा कतई। और ये एक हेडशॉट भागो भाई भागो, हेडशॉट हेडशॉट बाद में लग जाएंगे, भागना पड़ेगा पहले, जितना बचेंगे तभी हेडशॉट मार पाएंगे। और यार इसने एक भाई दिया भाई बचते बचते भी। और ये एक हेडशॉट दो हेडशॉट तीन हेडशॉट भागो, ये देखो लाइट बोल से फ़ायदा है फटाफट इसके हेडशॉट मार सकूँ मैं, और इससे इसकी हेल्थ से जाती रहेगी। और ये भाई साहब ऊपर से भी तीरों की बरसात होगी, यार इससे नहीं लगा एक भी तीर। यहाँ पे क्या है भाई एक और खतरनाक चीज़ है, तीरों की बरसात हो रही है आसमान में से, वो इसकी फौज करी है हमारे ऊपर। और भाई साहब तुम्हारे भाई ने अब लाइट वो हटा के दूसरा वो लगा लिया हंटर वो, इस बार प्रेडेटर वो जो है एकदम से पास में ले आ गया एम को, तो इसलिए हो नहीं पता। और भाई साहब तीर आने वाले हैं इसलिए भागना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए। अरे यार छोड़ दो भाई, उसी किल कंफर्म करनी है मुझे। चलो कोई नहीं वापस जाए कर लेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। वह हमने कंपास की किल कंफर्म कर दी, और ऑर्डर में बस ये एक गोरम गैंगस्टर करके बचा है, इसे भी जाके देख लेंगे अगली वाली वीडियो में। और जब हम विजिट में गए थे तो भाई वहाँ पे ओडिन भी थे, और जो कंपास है वो एक प्लेट उसने एक प्लेट में वो रखा हुआ था उसका सिर जो गवर्नर यहाँ का, और ये कहा था कि इसने सही कहा था कि तुम यहाँ पे रूल नहीं कर पाओगे, और मैं ही गलत था जहाँ पे रूल करना चाह रहा था। फिर भाई हम आ गए थे और ओडिन आ गए थे, तो उसने कहा था कि क्या तुम यहाँ पे राज करोगे लंदन पे, और ओडिन ने भी कहा था कि तुमने ये जगह कमाई है अपने पराक्रम से। लेकिन हमने कहा कि नहीं हमारा लंदन में जितना काम था वो हो गया, हमें बस अलायंस बनाना था वो बना के और हम चले जाएंगे यहाँ से। फिर भाई वो चला गया वहाँ से और हमें अपना मेडेलिन दे गए, और फिर भाई वो जल के और ख़त्म हो गया। तो भाई हम यहाँ आए थे कंपास को ठोकने के बाद सीधा इनके पास एयरको स्टॉप के पास, और भाई हमने इन्हें बता दिया कि कंपास जो है वो मारा गया, और ये शायद पूरी तरह से तुम्हारा है, तुम इसे के साथ जो करना है करो। उन्होंने कहा कि हम इसे रीबिल्ड करेंगे, लकड़ियों का इस्तेमाल करेंगे पत्थरों का जैसा, जैसे कि पूरा लंदन पत्थरों से बना हुआ है, तो ये वही आगे बढ़ाएंगे। और हमने कहा कि जब तक हम अगली बार मिले अगर हमें तुम्हारी जरूरत पड़ी अगले किसी युद्ध वगैरह में तो तुम हमें उम्मीद है हमारा साथ दोगे। उन्होंने कहा कि अगर तुम लंदन एक दोस्त की तलाश में आए तो तुम्हें दो मिलेंगे एरिक और स्टोव दोनों। तो फिर भाई उसने एरिक ने हमें एक कड़ा दिया, उसने वो उसने कहा कि वो ट्रिगर्स का है जो इनका पुराना गवर्नर था उसका है, और भाई उसने इसे गिफ्ट किया था और इसने हमें किया है अपने अलायंस की निशानी के रूप में। और ये लोग जो हैं ये कोई ऐसी चीज से देते थे, क्योंकि मान लो अगर हम टपक गया फिर वो टपक गए और उसके बाद में युद्ध हुआ और हमें एक दूसरे के साथ की जरूरत पड़ी, तो भाई इस चीज़ को दिखा के हम ये कह सकते हैं कि हाँ हमारा एक टाइम पर अलायंस था और तुम हमारा साथ दो, तुमने वचन लिया था इस चीज़ का, या फिर मान लो भूल जाए ज्यादा दिन बाद जरूरत पड़े तो ऐसे में भी। और भाई अब रैनवी को जाके बता देंगे हम कि हमने अलायंस बना लिया सक्सेसफुली और अगले अलायंस की तरफ बढ़ेंगे। तो आज वाली वीडियो में इतना ही, मजा आया तो लाइक कमेंट से सब्सक्राइब करना, मिलेंगे अगली वीडियो में।